स्कूल के प्रबंधक जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने आज तक कैसे अपने विद्यालय को मैनेजमेंट किया और उनके माइंड में ये कैसे ख्याल आया कि विद्यालय को चलाना चाहिए या इस स्थान पे इतना बेहतरीन विद्यालय खोलना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी अनुज कुमार। ये कौन सी जगह है? ये जैनपुर नागर राजा गवाग इटावा। जी सर, ये जो बिल्डिंग है, ये विद्यालय है, ये कौन से सन में आपने खोला था, कहाँ से शुरुआत की और ये आपके माइंड में कहाँ से आया कि आपको एक बच्चों के लिए विद्यालय खोलना चाहिए जो कि बहुत ही नेकी का काम है, वो कैसे माइंड में आया आपके? देखिए, ये विद्यालय मैंने 2011 में शुरू किया था। उस समय एक हमने किराए की बिल्डिंग में शुरू किया, छोटा सा विद्यालय था, हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे नर्सरी से लेके फिफ्थ तक। उसके बाद मैंने 2015 में ये जगह खरीदी और यहाँ पर ये बिल्डिंग बनवाई, जिसमें काफ़ी अपने खास लोगों का सपोर्ट रहा है, पूरे तरीके से सपोर्ट रहा है। काफ़ी लोगों ने मदद भी की है, अपनी तरफ से भी मदद की। और सही बात तो ये कि जो हमने शिक्षण कार्य किया है 2011 से 15 के बीच में, उससे हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी प्रभावित हुए, खुश रहे, तो हमारी जो छात्र संख्या थी वो प्रति वर्ष सैकड़ों के हिसाब से बढ़ती गई। हुआ क्या, 2011 में हम 100 बच्चों की स्ट्रेंथ पर थे और वहीं 2015 को आते आते हम लगभग 500 और 600 के बच्चों की स्ट्रेंथ पर पहुँचे। 2015 से लेकर ये 2020 तक विद्यालय बहुत अच्छी प्रगति करता रहा, प्रोग्रेस करता रहा, बराबर कंटिन्यू चलता रहा। 2020 में आकर उसके बाद से जैसे ही ये लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन पे आकर ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। और मैं बता दूं आपको, इतनी प्रभावित हुई कि विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पाए, अध्यापकों को भी आने जाने की प्रॉब्लम रही। फिर कोविड गाइडलाइन को मानते हुए, पालन करते हुए हम लोगों ने विद्यालय चलाया, लेकिन वही स्ट्रेंथ कम हुई और बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। और रही बात ये जो आपने पूछा कि आपके मन में विचार कब आया, विचार इस तरीके से आया, मैं छोटी क्लास का स्कूल चलाता था तो कन्वेंस पे जाता था, तो कई लोगों का ये कहना रहता था कि कुछ क्लास और बढ़ाई जाए जिससे कि बच्चे सही से पढ़ सकें। और हमारे यहाँ क्या था, बच्चों की, लड़कियों की आज भी बहुत बड़ी समस्या है बाहर जाने की, और तो गार्जियंस चाहते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं हमारे लोकल में कोई सही शिक्षा व्यवस्था हो उस पर पढ़ें। और मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सकूं। मैंने इस बार आपको बता दें, NCERT की बुक लगाई है सारी, जो कि अन्य प्राइवेट विद्यालयों में नहीं हो सकती है, और बल्कि शायद हो कुछ ही विद्यालयों में होगी। तो NCERT बुक से क्या होता है, कहीं ना कहीं गार्जियंस पे आर्थिक लोड कम पड़ता है उनकी। जी वो कैसे, क्योंकि बुक्स तो आज के टाइम में बहुत महंगी हैं। बुक्स क्या है, ये सरकारी किताब है। सरकारी किताब क्या है, MRP पे आती है, तो उसकी कीमत लगभग 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 30 रुपये, इस तरीके की है। तो इसलिए मैंने उस NCERT बुक को रखा है। वो भी बुक्स मैं गार्जियन से कहता हूँ आपको खरीदनी नहीं है, मैं विद्यालय से दूंगा। अरे वाह, ये तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ 8th क्लास की बुक सिर्फ 8th क्लास 6th क्लास की लगभग 3,000 से कम, अगर हम लोग कुछ भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 3,000 से 4,000 से कम में नहीं आ पाती हैं, और उनको आप निःशुल्क दे रहे हैं विद्यालय से। मैं सारी बुक्स निःशुल्क देता हूँ और वो बुक्स पुनः जमा करा लेता हूँ विद्यालय। क्लास जैसे कि ईयर ख़त्म होने के बाद आप उनको जमा करा लेते हैं नेक्स्ट ईयर किसी और बच्चों को? हाँ, नेक्स्ट ईयर हम वही बुक्स दूसरे बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि बच्चों का आर्थिक जो लोड है वो कम रहता है और बच्चे NCERT की बुक को पढ़ पाते हैं और पूरे तरीके से, पूरी लगन से बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका परिणाम भी पॉजिटिव रहता है। आप ही बताइए जी कि 1 क्लास से 8th क्लास तक हैं ये, और या फिर 5th से 8th तक हैं? ऐसा है, 1 से 5th तक तो दूसरी बुक है, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये अपना जो विद्यालय है वो इंग्लिश मीडियम में है या फिर हिंदी मीडियम में? सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम है, टोटल इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं हम लोग जी। ऐसे कि अभी हम लोग ज़्यादातर नेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ कंप्यूटर की कोई व्यवस्थाएँ हैं क्या?
जी आपको बता रहे हैं, हमने 2017 में कौशल विकास चलाने का प्रयास किया था। उस समय हमने अपने विद्यालय के लिए 20 कंप्यूटर खरीदे। जो सारे कंप्यूटर हमारे पास रखे हुए हैं, दो लैब कंप्यूटर लैब बनाई थी। उसमें क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं बच्चे नहीं आए, तो कंप्यूटर में काफ़ी नुकसान हो रहा था, धूल डस्ट इन चीज़ों से भी नहीं बचा पाए, तो वो हमने सारे के सारे पैक करा दिए थे। अब उसको इस बार से तो कंटिन्यू क्लास चालू हो गए हैं, तो अभी कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस ईयर पूरे तरीके से कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, और मैंने पूर्ण रूप से लैब बना रखी है जो मैंने आपको दिखाई भी है। जी, जैसे कि आपने दिखाया, बहुत ही सुंदर और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है आपके विद्यालय में। हमने और भी विद्यालयों में सर्वे किया, लेकिन जो आपके यहाँ हमें व्यवस्थाएं दिखी, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दिखी। सर, हमारा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे। 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, अभी चला रहा है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स में थोड़ा बहुत डर अभी भी है, तो आपको जैसे कि आप कन्वेंस पे जाते हैं, तो पेरेंट्स की क्या शिकायतें रहती हैं, और वो कितने परसेंट अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल? देखिए, हम जैसे ही जाते हैं गांवों में, तो लोगों के अंदर थोड़ा डर तो रहता ही है, मगर उस डर को दूर करने के लिए हम लोग उनसे मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं, और कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, और हम मानते हैं इस बार सभी बच्चे पढ़ने विद्यालय आएंगे। आपको लग रहा है कि पहले से ज़्यादा आपकी बार मतलब सारे बच्चे आएंगे स्कूल? हाँ। तो जैसे कि पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस कर पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि 2 साल से बच्चों को घर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था टूटी है, तो इसे इसको लेकर जैसे टीचर चिंतित है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं गार्जियंस भी चिंतित है, और गार्जियंस पूरा सपोर्ट कर रहा है विद्यालयों का। अभी क्या है, गांव के बच्चों के सामने थोड़ी समस्या है कि किसान का काम चल रहा है, तो कुछ बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है जुलाई से जो गाँव के विद्यालय हैं वो बहुत अच्छे से विकसित रूप से चलेंगे, और सारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आएंगे। जी, एक सवाल और हमारा रहेगा सर आपसे, इन जो 2 सालें रहीं, उनमें सर कैसे किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि जो महामारी पूरी विश्व पे फैली हुई थी वो बहुत ही शोकजनक रही, तो अभी इसमें कितनी चेंजिंग आपको दिखी हैं, और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन? देखिए, हमारे सामने सबसे ज़्यादा समस्या तो पढ़ाई को लेकर ही रही है कि बच्चे पढ़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी जैसे बीच बाज में अगर विद्यालय खुले हैं, तो हमने बच्चों को होमवर्क दिया है जो घर में करें पूरा, तो जैसे कि ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही थी, वो क्या आपके विद्यालय में दी गई? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो हम नहीं चला पाए, लेकिन होमवर्क देते रहे, बच्चों को बताया ये कार्य आप करें, सिलेबस बता दिया था, बुक्स सारी फ़ोन पे, कुछ विद्यालय जो प्ले स्कूल थे उनमें कर रहे थे कि फ़ोन पे टीचर पेरेंट्स के पे भेज दे रहे थे होमवर्क, वो अपने बच्चों से करवाइए, कि आपके यहाँ ऐसा किया गया? देखिए, यहाँ पर गांव के बच्चे हैं, तो थोड़ा इंटरनेट के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इतनी सुविधाएं उनके पास भी नहीं है। शायद अगर ऐसी सुविधा उनके पास होगी भविष्य में, तो हम उनके लिए इस तरीके की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दिलाने का भी काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और हमारा रहेगा सर आपसे, आपके यहाँ कौन से क्लास से, जैसे कि 1 से कितने तक की क्लासेस लगती हैं, और स्टाफ की बात करें तो मैनेजमेंट में कितना स्टाफ है आपके यहाँ? देखिए, हमारे पास फ़िलहाल 13 लोगों का स्टाफ है, और हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की कक्षाएं लगती हैं। जी, बस यही कक्षाएं लगती हैं ओनली। आपके यहाँ 10 तक क्लासेस दी जाती हैं? हाँ, 10 तक क्लास देते हैं। अच्छा, एक सवाल और हमारा रहेगा, जैसे कि कोई आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहे, जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, हमारा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जिस तरीके से अनाथ बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे मुझे मिले कन्वेंस के माध्यम से, मैं गया तो वो मिले हैं, हम उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं, और हम चाहते हैं कि अनाथ जो बच्चे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी चाहते हैं, वो मुझे मिलेंगे, तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उनके साथ कार्य करूँगा, और भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी क्षेत्र के बच्चे इस तरीके के होंगे, मैं उनकी मदद करता रहूँगा। अरे सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, कोरोना काल में भी काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए, अनाथ हो गए, कुछ बच्चे जो किसी भी कारणवश आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आप उनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समाज के लिए और क्षेत्र के लिए और ज़िले के लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं,
उम्मीद करते हैं आपकी सोच और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। एक सवाल और हमारा रहेगा आपसे, अगर हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट तो फीस की, तो अगर जो लोग देख रहे हैं जानना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं के मतलब व्यवस्थाएं, तो जैसे कि आपने बता दी, तो शुल्क क्या रहती है? ऐसा है, हम लोग छोटी क्लासों की फ़ीस 4500 रुपये रखते हैं ईयरली, और जो बड़ी क्लासेस हैं 6 से ऊपर उनकी 6000 रुपये फ़ीस रखते हैं। अच्छा, कोई भी जैसे कि जो हर बजट का व्यक्ति हमारे हिसाब से यहाँ एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है जी। अच्छा, कि किसी के एक दो तीन बच्चे हैं तो उस पर भी कुछ डिस्काउंट वगैरह, अगर एक ही फैमिली से आते हैं तो? तीन बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे की फ़ीस हम माफ़ कर देते हैं। एक की पूरी फ़ीस माफ़ कर देते हैं या हाफ? टोटल फ़ीस माफ़ करते हैं, पूरी फ़ीस माफ़ कर देते हैं। अरे वाह। तो और सर, आप हमारे चैनल के ज़रिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि आप, आपका चैनल बहुत अच्छा है, और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी, जो हम कार्य कर रहे हैं NCERT बुक्स के हिसाब से, हम चाहते हैं कि सभी विद्यालय NCERT बेस्ड। हम चाहते हैं कि आप एक बार वो बुक्स दिखा दीजिए, जिससे जो भी गार्जियंस देख रहे हैं उनको लगे कि हाँ कि बाकी है या साइंस की NCERT बुक है, 6th क्लास की है, इसकी कीमत केवल 60 रुपये है ओनली, और वो भी कीमत गार्जियंस को पे नहीं करनी होती है, हम अपनी फ़ीस में निःशुल्क देते हैं, और ये बुक हम पुनः विद्यालय में जमा करा लेते हैं जिससे कि अन्य बच्चों के ये कार्य आए। कहीं ना कहीं हम पैसे की बर्बादी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। चलिए, तो सर जैसे कि आपने बताया, तो आप हमारे चैनल के ज़रिए क्या संदेश देना चाहेंगे सभी जो पेरेंट्स देख रहे हैं और भी लोग जो देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, जानकार रहें, जानकारी रखें, क्योंकि बहुत गार्जियंस ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है और ना जानकारी के चक्कर में अपना पैसा भी खर्च करते हैं और बच्चे भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने पैसे को भी बचाएँ और बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक रहें जी। और अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप एक बार अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर बता दीजिए जी। मेरा नाम अनुज कुमार है, पता राजा का बाग, मोबाइल नंबर 6395717254। ठीक है, थैंक यू। आज जैसे कि विद्यालय के प्रबंधक जी मौजूद थे और उन्होंने जो बताया और दिखाया वो बाकी भी वाकई एक प्रेरणाजनक है। जैसे कि उन्होंने जो हमें दिखाया, जो NCERT की बुकें हैं वो विद्यालय से ही प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। शायद ही ऐसा कुछ ही विद्यालयों में किया जा रहा होगा, बट जो मैंने देखा वो वास्तविक मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इतनी सुविधाएं कोई दे रहा है। अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो सर ने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दिया है, और मैं तो यही कहूँगी अगर आप कोई अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहता है तो एक बार इस विद्यालय में आइए, प्लान समझिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए और एक बार एडमिशन आके ज़रूर लें। मैं निशा, आप देखते रहिए MSS न्यूज़। हमारी लगातार खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए MSS न्यूज़ से।